और सबको भेजा, ये अभी जितने बैठे हैं इनमें सारे जाके आए। क्या उम्मीद अब नई तरीके से लगना पड़ेगा चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि लंबा अरसा हो गया आपने विद्याधर नगर संभाला, अब चित्तौड़गढ़ में वापस जाकर आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो 100% जीत की है, और नया मोर्चा क्या है वहाँ पे, वो यही कार्यकर्ता है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ लेके काम करना है। ये जरूर है कि 10 वर्षों में जो 18 साल के उस समय हुए थे वो आज 28 साल के हो गए या 32-35 साल के हो गए, तो और मैच्योर हुए हैं, अच्छा है। इस बार विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो क्या दावा है, बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल लगता है आपको? अभी दोनों लिस्टें पूरी आने से पहले तो क्या कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी। थैंक यू वेरी मच। नरपत सिंह राजवी को आप सुन रहे थे। चित्तौड़गढ़ उनको शिफ्ट किया गया, हालांकि जब उनका टिकट काटा गया तो काफी नाराज नजर आए थे और हमलावर भी वो नजर आए थे।